स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। तो सबसे पहले उसकी मीनिंग समझे। देखो क्या बता रहे हैं, फाइंड दी स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर चाहिए, स्मॉलेस्ट बोल रहा है, दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ दी नंबर 8, 15 एंड 20। मीन्स आपके पास तीन नंबर दिए हुए 8, 15 और 20। एक नंबर आपको ऐसा चाहिए जो स्क्वायर नंबर हो और इन तीनों से डिविजिबल हो। तो इसमें कैसे करेंगे, सबसे पहले हम एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकलेगा तो एक नंबर आएगा, वो नंबर जो होगा नेचुरली इन तीनों से डिविजिबल, क्योंकि एलसीएम निकालेंगे तो इन तीनों से डिविजिबल होगा और वो स्मॉलेस्ट होगा। ठीक है, फिर जो नंबर आएगा उसको खाली चेक करना है कि वो परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। अगर जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो उसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे और वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो किस तरह करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनके एलसीएम निकालेंगे हम इसका 8, 15 एंड 20। तो देखो किस तरह निकालेंगे, 2 का डबल लगा 2 4 जा, इस पे नहीं लगेगा तो सेम, 2 10 जा, फिर 2 का इस पे 2 जा, ये सेम, 2 5 जा, फिर से 2 का डबल लगा 2 1 जा, ये सेम रहेगा, ये भी सेम रहेगा, फिर 3 का डबल लगा ये सेम, 3 5 जा 15, ये सेम, फिर 5 का डबल लगाओ 5 1 जा 1 जा 1 जा। ओके, तो कहने का मतलब हमारा एलसीएम निकलेगा, एलसीएम इन सबको मैं इंटू करूं तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 3 मल्टीप्लाई 5 3 मल्टीप्लाई 5, सबका मल्टीप्लाई करूं 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 3 जा 24 24 5 जा 24 को 5 से इंटू करूंगा तो 120। ओके, तो ये आपका एलसीएम हुआ 120। अभी ये जो है 120 ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर है जो सबसे डिवाइड होगा। 120 जो है 8 से डिवाइड करोगे हो जाएगा, 15 से डिवाइड करोगे हो जाएगा, 20 से डिवाइड करोगे तो हो जाएगा। मीन्स 120 जो है वो स्मॉलेस्ट नंबर है और तीनों से डिविजिबल है। अभी ये सोच रहे हैं 120 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, क्योंकि हमें स्क्वायर नंबर चाहिए। आप देखो स्क्वायर नंबर चाहिए तो उसके लिए हमें क्या चेक करना पड़ेगा, ये जो फैक्टर है इसमें पेयर, देखो इसकी पेयर तो बन गई पर इसमें देखो 2 की पेयर नहीं बनी है, 3 की पेयर भी नहीं बनी है, 5 की भी पेयर, मीन्स जो खुट रहे हैं। अभी सोचो अभी आप 2 की पेयर है तो 2 की पेयर बनाने के लिए 1 2 खुट रहा है, 1 2 चाहिए, दूसरा 3 की पेयर बनाने के लिए 1 3 दूसरा चाहिए, 5 की पेयर बनाने के लिए 1 5 चाहिए, बराबर ना। तो उनसे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 3 से 5 से, जो खुट रहे हैं 2 की पेयर बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई किया, 3 की पेयर बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई किया, 5 की पेयर बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई किया, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो 2 3 6 6 पाया 30। तो कहने का मतलब 120 को मैं 30 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो जो नंबर आएगा वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। ओके, और वो भी परफेक्ट स्क्वायर होगा, वो स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा जो इन तीनों से डिविजिबल होगा। 30 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो हम क्या बोलेंगे, मल्टीप्लाई बाय 30 टू ऑब्टेन परफेक्ट स्क्वायर। भाई परफेक्ट स्क्वायर लाना ना हमें, इसकी वजह से इसको हमें 30 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मीन्स 120 इंटू 30, दोनों का मल्टीप्लाई करूं तो क्या हो जाएगा 3600, 12 3 36 जीरो से, ठीक है 2 0, तो 3600 है, तो 3600 ही आपका आंसर हुआ। तो 3600 इज द स्मॉलेस्ट, 36 इज द स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर हुआ विच इज जो डिविजिबल होगा, विच इज डिविजिबल बाय ये जो तीनों नंबर है 8, 15 एंड 20, इन तीनों से डिविजिबल होगा। और स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट मीन्स स्क्वायर नंबर, स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर बोलना है, ये स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर हुआ। ओके, जिसको 8, 15 और 20 से हम डिवाइड करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा, डिविजिबल होगा। ओके, तो इस तरह ये हमारा सम कंप्लीट हो गया। आई होप आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करना, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। ओके, इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।